हेलो बच्चों, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम क्लास नाइन का, जो भी कक्षा नाइन के बच्चे हैं, आज मैं हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन लाया हूं 2023 के लिए, और 40 मार्क्स के हैं, सभी के एक नंबर का है। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन करवाए जाएंगे और साथ ही साथ आपको आगे की कक्षाओं में भी यहाँ पर हेल्प होगा, अपडेट भी मिलते रहेगा, जो भी अपडेट आते चलेगा। क्या क्या आप लोगों का तरीका है देख लीजिए। 40 क्वेश्चन है, सभी एक एक नंबर के रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ओमार शीट मिलेगा, जो सही आंसर रहेगा उसको गोला करना रहेगा, चार ऑप्शन में। आप पठित गदांश, जिसको पैसेज भी बोलते हो तुम लोग, है ना, तो उससे देखो क्या क्वेश्चन आया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक से लेकर पाँच तक आप लोग का पैसेज से है, क्या गदांश से देख लो। गदांश को पढ़ के उसके प्रश्नों का सही विकल्प आपको चुनना है। याद रखिए, जब भी पैसेज पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर करना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, है ना। तो फर्स्ट का आंसर देखिए क्या है, बड़े बड़े कल कारखाने क्या उगलते हैं, तो धुआं उगलते हैं। तो पहला का आंसर आपको यहाँ क्या मिल गया, धुआं। तो यहाँ गोल घेर के रखेंगे हम। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। बड़े बड़े कल कारखाने क्या उगलते हैं, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं, कारखानों से निकलने वाले खराब प्रदर्शन में कैसे रसायन होते हैं, इस तरह से करके हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो इतना सुन लिया, पढ़ लिया, अब ऊपर जाके क्वेश्चन पढ़िए। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों को क्या मिल गया कि बड़े कल कारखाने धुआं उगलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है, किन इनके इन सभी के कारण, धुआं के कारण। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? आप कभी भी देखना कि जो सड़क या रेल के पटरी के दोनों साइड के पेड़ पौधे रहेंगे वो क्या होता है, देखिएगा आप, ठीक है। तो क्या होगा कि वे कितने कमज़ोर और रोगग्रस्त दिखते हैं, क्या दिखेंगे, वो कमज़ोर हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाएंगे, पूरे एकदम ऐसा लगेगा जैसे मरा हुआ पेड़ है। धूल धूसरित, है ना, मटमैले, देखिए धूल धूसरित हो जाता है, पूरा धूल उसको पकड़ लेता है। मटमैले काले से कारखाने से कीचड़ कचड़े निकल रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे कारखाने से क्या निकल रहे हैं, कचड़े निकल रहे हैं, जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। क्या बोल रहा है कि धूल दूषित मटमैले काले से कारखाने से कचड़े निकल रहे हैं, ऐसा लगता है वे इतने कमज़ोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धसरित मटमैले काले से कारखाने से कचड़े निकल रहे हैं, क्या होता है, कचड़ा निकलता है कारखाना में, क्या होता है, धूल धूषित मटमैला एकदम काला काला एकदम क्या निकलता है, कचड़ा निकलता है, जो प्रायः कहाँ बहा दिया जाता है, जलाशयों में बहा दिया जाता है, जो भी कचड़ा निकलता है उसको जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचड़े डाल दिए जाते हैं, जो कि और भी प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण करता है। इन कचड़ों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, जो अगर जानवर खा लिया वो भी मरेगा, है ना, जो हवा पानी और भूमि को दूषित करते हैं। याद रखिएगा कि मृदा, जो मृदा भी दूषण होता है, मृदा का जो मतलब होता है ना कि दूषित होता है, तो वो इसी तरह से होता है रसायन के कारण, और हवा और पानी तो होगा ही, है ना। देखिए, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे। देखिए, एक क्वेश्चन था ना कि शुद्धता बनाए रखने के लिए क्या करते थे, तो हवन आंसर हो जाएगा। और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे, वो काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य पवन वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है, क्या बोल रहा है कि वेदों में सूर्य पवन वायु वरुण मतलब वायु आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है, और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन भी है। आगे देखो, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है, अभी का आजकल के मानव ने, लगता है कि एक दिन, है ना, सुंदर सलोनी धरती जी के बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारा मंडले में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या निकलते हैं, तो पहला का सी आंसर हो जाएगा धुआं, ठीक है। कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहा है, अभी आप लोगों को बताया था मैंने, काले मटमैले कचड़े निकल रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं, कैसे रसायन होते हैं, तो जहरीले रसायन होते हैं, आसान क्वेश्चन था। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे, अभी मैंने आपको बताया, हवन करते थे। तो चारों का आंसर आप लोग को मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन चलिएगा कि आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है, तो क्या हो जाएगा, किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है, तो फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रदूषण की, है ना, याद रखिएगा प्रदूषण की मात्रा बढ़ा दी है। तो इस तरह से सुन सुन के आंसर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आप लोग वीडियो देखिएगा तो ध्यान में याद भी रहेगा कि कैसे पैसे सॉल्व करना है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ना है और उसके सही प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस बतलाती हो, पूरा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा नदी को, नदी के बारे ही कहा जा रहा है ना, नदी ने किसे पुचकारा, तो नदी ने किसे पुचकारा है, आगे देखिएगा कमजोरों को, है ना, देखिए ऊपर
ऊपर पूरा पढ़ के देखिएगा, ठीक है। देखिए कमज़ोरों को पुचकार दिया, ठीक है, वही है। तो इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढने आना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ कि आंसर शीट जानने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे ढूंढना मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ। स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा तो अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा आराम से, है ना। नदी का जीवन कैसा है, तो नदी का जीवन कैसा है, तो नदी का जीवन कैसा हो जाएगा, एट का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एट्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछ रहा है नदी का जीवन कैसा है, तो नदी का जीवन कैसा है, चलिए ऊपर देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कहाँ दिया हुआ है नदी का जीवन कैसा है, ठीक है। तो देखो कहाँ से दिया हुआ है, स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, है ना। तो यहाँ पे संघर्षपूर्ण कहा गया है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा एट्थ का, संघर्ष भरा हुआ जीवन है उनका, मस्ती भरा नहीं है जीवन, ठीक है। स्रोत का अर्थ क्या होता है, स्रोत का अर्थ हो जाएगा माध्यम, क्या हो जाएगा माध्यम, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल स्रोत सही हो जाएगा। स्रोत का मतलब ही होता है माध्यम, है ना, किस बोलते हैं ना किसका स्रोत क्या है इसका माध्यम क्या है, तो वो हो गया स्रोत और माध्यम। दसवां नंबर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवन का स्रोत क्या है, क्वेश्चन नंबर टेंथ में पूछ रहा है जीवन का स्रोत क्या है, तो देखिए यहाँ पे लाइन में क्या दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग के आंसर शीट में गलत है, संघर्ष स्रोत है जीवन का, ठीक है। तो संघर्ष उसका आंसर हो जाएगा, जीवन का स्रोत क्या है, तो सो जाएगा संघर्ष, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघर्ष को इन्होंने देखिए कैसे लिखा, संघर्ष ऐसे लिखना चाहिए, बहुत अशुद्ध है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए पत्र लेखन से क्वेश्चन है आप लोग का, तो प्रश्न नंबर 11 से 15 तक आपका पत्र लेखन से सेवा में, तो जिसका जिसको लिखते हैं पहले यहाँ पे हम उनको अनुमत क्या कहते हैं, अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन में सेवा में क्या लिखेंगे, प्रधानाध्यापक, ठीक है। जो भी है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कहीं ब्रैकेट दिया क्या भरने के लिए, कहीं नहीं दिया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन भराएगा, चार ऑप्शन में, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 में क्या भराएगा, प्रधानाध्यापक, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिख रहा है छात्रावास में निवास हेतु, तो यहाँ पे विषय लिखेंगे ना कि विषय छात्रावास में निवास स्थान हेतु, यहाँ पे विषय जाएगा। 13 में देखिए क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि, आप लोग पढ़े होंगे तो निवेदन जाता है यहाँ पे, तो आप लोग का 13 नंबर क्या हो जाएगा, निवेदन, यहाँ पे 13 का आपका निवेदक, यहाँ पे अशुद्ध है, यहाँ पे निवेदन होगा, देखिए अशुद्ध ही बहुत है। निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की खाली जगह दिया है, नवीं, आप लोग नवीं कक्षा के छात्र हैं ना, कक्षा का छात्र छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना देखिए 15 का नंबर क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, क्यों संभव होगा, देखिए संभव नहीं हो पाता, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे संभव, अगर यहाँ रहता कि असंभव हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है रहता तो असंभव भरते, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहती हूँ, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे छात्रावास में रहने की अनुमति दिया जाए, तो यही आप लोग को भरना था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए व्यवहारिक व्याकरण आप लोग का शुरू हो गया है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है, इसको अच्छे से कीजिएगा। तो अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है जिसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें से कौन सा उपसर्ग लगा है, तो जो आगे लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, तो यहाँ पर आगे कौन लगा है, अभी, तो क्या हो जाएगा, अभी इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी। आगे देखिए गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायक का क्या होता है, गायिका होता है, याद रखिए गायिका कैसे लिखा जाता है, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, गायकी मत कर देना, है ना, और ऐसे भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गायिका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। एक का बहुवचन क्या होता है, तो एक का अनेक होता है, याद रखिएगा एक का अनेक होता है बहुवचन, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो आप लोगों को मैं कुछ कुछ बता देता हूँ, विशेषण याद रखिएगा कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें गुण का बोध होता है, गुणवाचक, गुणवाचक में क्या होता है, जैसे कोई तेज है, कोई सुंदर है, ठीक है, सुंदर है, कोई क्या है, कोई क्रोधी है, क्रोधी, तो ये सारे आपके गुणवाचक में चले गए, ठीक है। और फिर मैं आपको बता दूं, फिर आपका आता है एक परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में आपका वजन का बात करेगा, परिमाणवाचक ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, परिमाणवाचक में क्या हो जाएंगे, जैसे 2 किलो आटा, तो 2 किलो यहाँ पे क्या हो गया, परिमाण हो गया, फिर आपको लिखेगा 2 लीटर, तो ये सभी हो गए परिमाणवाचक, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए संख्यावाचक में होता है जिसमें संख्या का बोध हो, तो संख्या का बोध इसमें किस में हो रहा है, 4 अमरूद वाले में से, ठीक है, तो ये होगा आपका संख्यावाचक विशेषण, याद रहेगा, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर में, सीमा अच्छी
दिया हुआ है। तो सीमा अच्छी कवि नहीं होगा। सीमा देखिए, याद रखिए कवि हमेशा पुरुष पुरुष के लिए, लड़कों के लिए लगता है, और कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता, शुद्ध लिखा गया है। सभी कवित्री शुद्ध यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा शुद्ध कैसे लिखा हुआ है, ये भी आंसर आपको याद रखना होगा कि कैसे शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है, चलिए घी के खाली जगह जलाना मुहावरे में सही शब्द का, तो घी के दिए जलाना होता है, क्या होता है, घी के दिए जलाना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, या किस प्रकार का वाक्य है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो ये आप लोग को याद रखिएगा तीन तरह के वाक्य हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये किस तरह का वाक्य, मेरी इच्छा है कि ई की से यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, मिश्र के धातु के मिश्र वाक्य के अंदर चला जाएगा, तो 22 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि मिश्र जो वाक्य होता है उसमें एक मुख्य मतलब प्रधान वाक्य होता है, और उसके ऊपर आधारित एक आश्रित एक उपवाक्य होता है। तो देखिए यहाँ पे इच्छा होना ये क्या है, मतलब प्रधान है, और इधर ये मैं डॉक्टर बनूँ ये उस पर आश्रित है कि मैं, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मिश्र में जाएगा। इसमें देखिए इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, क्या बोल रहा है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो 23 का क्या हो जाएगा, देखिए माँ ने भोजन बना रही थी, तो ये गलत लग रहा है, माँ ने भोजन बनाई थी तो ये सही लग रहा है, माँ ने भोजन बनाया था, देखिए माँ के लिए बनाया था नहीं लगेगा, पुरुष नहीं है, मम्मी स्त्रीलिंग है, माँ ने भोजन बना चुकी, माँ भोजन बना चुकी थी डायरेक्ट होगा, नहीं लगेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 में पूछ रहा है, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, याद रखिएगा पर्वत, भूधर, शैल, पठार नहीं होता है। पठार किसको बोलते पता है, जो टेबल के जैसा ऊपर समतल हो, सिर्फ ऊंचा जगह हो, उसे पठार बोलते हैं। याद रखिएगा ऐसा भूभाग जो टेबल जैसा हो, भूभाग की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, और चौड़ा हो, मतलब कि फैला हुआ हो और बाकी जगह से थोड़ा ऊंचा हो, वैसे पठार बोले जाते हैं। आगे देखिए 25 नंबर पूछ रहा है कि कुलकुल का सही अर्थ क्या है, तो कुलकुल का सही अर्थ क्या हो जाता है, तो हो जाएगा वंश किनारा, क्या हो जाएगा, वंश किनारा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पुस्तक से क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है, ठीक है, पुस्तक से क्वेश्चन आ रहा है, खंड दाम में आ गए हैं, पुस्तक से है, और यहाँ पे 16 से 40 तक आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पुस्तक से आने वाला है, तो पुस्तक अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, आप लोग का सारा मैक्सिमम क्वेश्चन पुस्तक से ही आ रहा है। ठीक है, 20 और 25 क्वेश्चन आपके बुक से आ रहे हैं, आप लोग जितने भी हैं 9th के बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पूछ रहा है कि झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे, आप लोगों को 26 नंबर क्वेश्चन है, तो 26 का हो जाएगा चरनी पर बांधते थे, कहाँ, चरनी पर। 27 में पूछ रहा है कि पाठ सांवले सांवले सपनों के याद में वर्डवाचक किसे कहा गया, तो वर्डवाचक किसे कहा गया, सालिम अली को, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सालिम अली को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे, तो कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण की, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 में देखिए पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते, याद रखिएगा विदुषी है ना, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन, यहाँ पे लेखिका नहीं बनाना चाहते थे, याद रखिएगा विदुषी बनाना चाहते थे, 29 का बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीढ़ की हड्डी का, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हम गलत बताएं तो नीचे कमेंट करना बच्चे, हम उसको पिन कर देंगे, देखेंगे कि हमने गलत बताया, उसको जांच करेंगे हम। ठीक है, तो जिसको भी लगता है कि हमने गलत बताया कोई क्वेश्चन का आंसर, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर देना आप, ठीक है, और कहाँ से है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि रीढ़ की हड्डी का प्रकार का पार्ट है ना, तो रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है, तो ये एकांकी का प्रकार है। ठीक है, चलो 31 में देखिए, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, तो लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, परती क्षेत्र में, याद रखिएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परती क्षेत्र में हुआ था, परती क्षेत्र में। 32 देखो, 32 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, तो 32 में हो जाएगा प्रेमचंद की खुद की बताई गई है ना, तो प्रेमचंद की ही हो जाएगा स्टोरी, है ना। आगे देखिए, नाना साहेब की पुत्री इनमें से कौन है, तो नाना साहेब की पुत्री इनमें से कौन हो जाएगा, आपका 33 का हो जाएगा मैना, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मैना। आगे देखिए, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है, किसके जाने से, किसके काम पर जाने से, याद रखिए किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, 34 का हो जाएगा बच्चों का, याद रखिए बच्चे को, इसीलिए आप लोग को पता होगा कि जो भी बच्चे का 14 वर्ष नहीं होता है उसको काम पर हम लोग नहीं भेज सकते, बाल मजदूरी करवाना क्या गैर कानूनी है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, पूछ रहा है
कि मेरे संघ की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है, तो मेरे संघ की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है, चोर का हो जाता है हृदय परिवर्तन। ठीक है, पाठ किस तरह का आशीर्कार में हिंदी में आया या किस प्रकार का पाठ है, पाठ किस प्रकार का पाठ बोल रहा है, पाठ किस प्रकार का आशीर्कार में हिंदी में आया या किस प्रकार का पाठ है, 36 का हो जाएगा ललित, आपका ललित निबंध। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 पूछ रहा है कि माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था, याद रखिएगा माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था, तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत के उत्तर मारेंगे, यहाँ पे दक्षिण होगा। ठीक है, 38 देखिए क्या होगा कि मेध आए बन ठन के, है ना, सज धज के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या पूछ रहा है कि चंद्र गहना से लौटती बैर कविता में चंद गहना क्या है, तो चंद गहना क्या है, तो 29 का क्या हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। ठीक है, और 40 में पूछ रहा है कि उपभोक्ता वादी समाज आदि आज किसकी ओर अग्रसित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 40 का विज्ञापन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन का और बाकी सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का मैं नाम बता देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप लिख के और इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम कहाँ से करिएगा आप लोग, कर लीजिए आप लोग प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए बोर्ड आभा से, बोर्ड आभा चैनल का नाम होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा जैक बोर्ड, बोर्ड आभा AABHA सब एक साथ लिखना। ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप लोग एक साथ लिखिएगा बोर्ड आभा और जैक JAC जैक बोर्ड, चैनल का ही लोगो दिखेगा आपको, चैनल का जो लोगो है ना, जो चैनल का आपको फोटो दिख रहा है वही फोटो यहाँ पे दिखेगा। अभी लगभग 3900 बच्चे प्लस जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए, फिर से मैं बता रहा हूँ 3900 प्लस बच्चे। ठीक है, जरूर से जरूर आप लोग जुड़ जाइए वहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ और नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।